निरापारा ग्राम में हमारे बाबा साहब की मूर्ति को तोड़ दी गई है, उनका अपमान हो रहा है। हम सभी लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे जल्द से जल्द पहुँचे। बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर देश के गौरव रहे, इसमें कोई दो शंका नहीं। और आप सभी जानते हैं कि एक तरफ देश के अंदर दीपावली का पर्व है, धूमधाम से मनाया जा रहा है, उसकी तैयारियां भी जोरों शोरों से की जा रही है, लेकिन नफरत फैलाने वाले असामाजिक तत्वों के द्वारा इस शांतिपूर्ण त्यौहार के बीच में भी इस तरीके की घटनाएं देखने को मिल रही है। दरअसल उत्तर प्रदेश के कानपुर से एक बड़ी खबर आई है, जहाँ पर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया। अयोध्या के अंदर आप सभी जानते हैं कि राम मंदिर बनाने के बाद पहले दीपावली को लेकर उत्साह से तैयारियां जोरों शोरों से है वो की जा रही है मनाने को, और उसी बीच कानपुर जो कि अयोध्या से कुछ दूरी पर स्थित, वहां पर बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति तोड़े जाने का मामला सामने आया है। पूरा मामला बताया जा रहा है उत्तर प्रदेश के कानपुर के सजती थाना क्षेत्र के अंतर्गत नेहरू पारा गाँव का है, जहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर जी की मूर्ति को क्षतिग्रस्त कर दिया। खंडित प्रतिमा को देखते ही गाँव के लोगों ने सड़क पर उतर आए और लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया, जिसकी जानकारी मिलने पर कानपुर एडीसीपी मनोज कुमार पांडे और एसडीएम यादवेंद्र सिंह सर्किल पोर्च के साथ पहुंचे, और उन्होंने आपको बता दिया कि ग्रामीणों से बातचीत की। ग्रामीणों से बातचीत करने के बाद उन्होंने समझाइश की कि नई मूर्ति स्थापित की जाएगी और एक तरीके से यहां पर जो अपराधी है उनको गिरफ्तार है वो किया जाएगा। बात यहाँ पर यह है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने देश के योगदान उनका अतुल्य रहा है, संविधान बनाने और देश के कई सारे कानून बनाने के साथ ही देश की राष्ट्रीय उन्नति में अपना अहम योगदान देने वाले बाबा साहब अम्बेडकर की आज इतने साल जाने के बाद भी कुछ लोगों की जो मानसिकता है वो बदली नहीं है और इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देते हैं। उन्हें यह सोचना होगा कि बाबा साहब अम्बेडकर इस देश के राष्ट्र निर्माता है।